आवाज़ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निरंजन सिंह, मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ और मैं अभी एक हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड पे काम कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि किस तरीके से आप लगाएं और किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करें। अब मैंने बहुत सारी वैरायटीज़ आपको बताई हैं, जो 8 वैरायटीज़ हमारे इस ऑर्चर्ड्स में लगी हुई हैं, उनमें से एक वैरायटी है स्कारलेट स्पर-II। तो ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शेप और कितने अच्छे साइज में ये वैरायटी आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो हमारी नोनी की जो हाइट है वो 1250 मीटर है और 1250 मीटर के हिसाब से ये वैरायटी हमारी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर आप इसी वैरायटी को जो है हाई एलिवेशन में लगाते हैं तो यहाँ और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस देगी। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पौधा है हमारा और लगभग 50 से 60 फ्रूट जो है पर प्लांट के हिसाब से हमें मिल रहे हैं और सारे के सारे फ्रूट जो है आपके कोई भी पिट्टू साइज में नहीं है, सभी लगभग हमारे मीडियम से ऊपर के साइज के फ्रूट हैं और कलर भी इतना अच्छा इंटेंस है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर कलर आए हैं यहाँ के हिसाब से और इस तरीके की वैरायटी आप जो है आसानी से जो है अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। और लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि स्कारलेट उस पर कैसे वैरायटी है, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि किस तरह की वैरायटी जो है ये दिखती है। ये एक बार फोकस करेंगे आप इस यहाँ पर और कितनी अच्छे से एक बंच में जो है पूरे पूरे फ्रूट लगते हैं और कितने सुंदर जो है ये वैरायटी है और इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आप जो है स्कारलेट स्पर-II को लगा सकते हैं और अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।